मैं समय हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीमसरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया। आज से करीबन 10,000 साल पहले मनुष्य ने कृषि करना सीखा था। यही वो समय था जब मनुष्य ने खानाबदोश मांसाहारी जिंदगी से सभ्यता की ओर अपने कदम बढ़ाए थे। विकास के इस कर्म में मनुष्य ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है और कई असंभव कार्यों को संभव किया है। कृषि क्षेत्र भी इस विकास से अछूता नहीं रहा है और भारत ने अपने आप को इस समय में विश्व का फूड बास्केट होने का लोहा मंजवाया है। भारत में कृषि कई सदियों से एक पारंपरिक व्यवसाय रहा है। आज भी हमारे देश की 70% आबादी इस व्यवसाय से जुड़ी है। आज हमारे पास अच्छी उपज देने वाली किस्म है, बेहतर औजार है, पर्याप्त संसाधन है, जिससे समय समय पर भारत ने कृषि पैदावार को कई गुना बढ़ा लिया है। मैं इन उपलब्धियों को देखता रहा और आज मैं आपसे इस विकास के बारे में कुछ हकीकत बताता हूँ। आजादी से पहले तक कृषि उत्पादन जरूरत के अनुरूप था और उस समय आवश्यक भोजन के उत्पादन के लिए पर्याप्त जमीन भी मौजूद थी, इसलिए ज्यादा उत्पादन का कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ शुरू हुई अधिक भोजन की मांग और आबादी क्षेत्र वहां औद्योगिकरण से खेती की जमीन भी कम होने लगी। अनाज की कमी ने देश की कृषि में बदलाव की जरूरत को महसूस किया और 1960 में भारत में हरित क्रांति युग की शुरुआत हुई। इस युग की शुरुआत के आसार उस समय स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। वास्तव में विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1940 के दशक में अमेरिका में मके के बीज से शुरू हुई और मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की एक बोनी किस्म का विकास कर इसे आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ये अन्य फसलों के साथ पूरे संसार में फैल गई। भारत वर्ष में ये 1960 के दशक में गेहूं और धान के साथ आई और उस समय इसका केंद्र उत्तर भारत रहा। हरित क्रांति के दौरान यूनिवर्सिटी एवं अन्य संस्थानों द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का विकास किया गया। कंपनियों द्वारा कीटनाशक दवाइयां, खाद और कृषि मशीनरी का उत्पादन किया गया तथा सरकार द्वारा इनके प्रचार प्रसार द्वारा किसानों को इसके प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया।
इस क्रांति ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, हर ओर खुशहाली का माहौल कायम हुआ। सबके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे आए और किसानों ने इससे नए खेत औजार बसाए। शादियों में रौनक आने लगी, शौक के संसाधन जुटाए। पर मैं समय हूं और मेरा काम है आपको पूरी तस्वीर बयां करना। सफलता की इस धुंधली तस्वीर के पीछे बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। किसान ने अपने अन्य संसाधन का दोहन कर काफी मोटा पैसा कमाया, कई तालाब में मिट्टी भर उन्हें समतल किया, वृक्ष काट कर खेती की गई। समय जाते देसी प्रजाति गायब होने लगी और एक सी फसल होने लगी। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ा, साथ ही कीड़ों और बीमारियों का भी रुतबा बढ़ा। और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि उपज की अंधी दौड़ में सब शामिल थे और इसके चलते सब भूल गए हमारी विविधता को, हमारी पारंपरिक खेती को। हम जमीन का शोषण करने लगे और ये 2-3 दशक तक चलता रहा। असर ये हुआ कि हमारी कमाई का मोटा हिस्सा दवाई और फर्टिलाइजर में जाने लगा और जो उपज वर्ष 1972 से लेकर 1985 के दौरान 3.8% के दर से सालाना बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन ये 1997-98 में 2.8% हुई और 2002 से लेकर 2014 तक ये वहीं की वहीं स्थिर थी। इस दौरान हमारा इनपुट खर्च बढ़ा, दवाइयां महंगी हुई, फर्टिलाइजर पर से सब्सिडी हट गई और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ी। पिछले 1 दशक में इसके कारण ढूंढने पर काफी कम हुआ और ये जैसे जैसे धुंध साफ हुई, ये हकीकत सामने आई कि उत्पादन लेने की दौड़ में हमने मिट्टी में से जीवन कम कर दिया और किसान ने प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी की। विश्व के नामी गिनामी साइंटिस्ट संस्थान ये जानने की कोशिश में लग गए कि क्या क्या